नंबर अरेंज्ड, अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ अ स्मॉलेस्ट टू, अ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, क्या है? अ ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं। क्या बात है जी, बोलिए, अनम जफर क्या बात है, बोलो, सर क्वेश्चन नहीं पता चल रहा था कहाँ पर है, मिल गया ना, ठीक है, जो है जैसे एग्जांपल के लिए हंड्रेड, उसके बाद 90, उसके बाद 80, 70, 60, 50, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ग्रेटेस्ट टू अ स्मॉलर, ग्रेटेस्ट टू क्या है, अ स्मॉलर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हम लोग पढ़ा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है वी हैव टू अरेंज द नंबर इन अ स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, देन वी चूज इन द ग्रुप ऑफ द नंबर दैट which is a smallest number, कितने भैया smallest number, तो देखिए यहाँ पर 822 सभी number 4 digit का है, यहाँ 2 digit का number, 3 digit का number है, ये सबसे smallest हो जाए, ये smallest लिख लीजिए आंसर में, 8 2, इसके बाद कौन सा number आएगा, तो देखिए जिसके बाकी सभी number 4 digit का number है, यानी 1000 प्लस तक का है, जिसके 1000 प्लस पर छोटा नंबर रहेगा वो नंबर आएगा, देखिए यहाँ 1000 पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 8, यहाँ 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखिए कि ये 3 वाला नंबर आएगा, 3 दो दो है, अब देखिए 1000 वाला चूज कर लिए तो 100 प्लस वाला आप पर देखेंगे, 100 प्लस पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यानी 2 वाला नंबर 8 वाला नंबर से इस नंबर से छोटा है, तो देखिए 3 2 8, इसके बाद 3 8 2, अब देखो 1000 प्लस 9 है, यहाँ 8, कौन बड़ा हो जाएगा, 9 छोटा होगा तो 8 8 2 3, इसके बाद 9 2 हो गया आंसर, ठीक है, आपका हो गया आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमको इस नंबर को अरेंज करना है ये असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ 4 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर है, तो 4 डिजिट के नंबर से 3 डिजिट का नंबर छोटा तो जरूर है, अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस पर कौन सा नंबर है, 100 प्लस पर अगर इक्वल नंबर आएगा तो 10 प्लस वाला को देखें, 10 प्लस पे भी नंबर इक्वल रहेगा तो 1 प्लस वाला को देखें, अब सभी इक्वल रहेगा, सारा इक्वल है, नहीं है तो जो सबसे छोटा होगा उस वो नंबर सबसे छोटा होगा जो डिजिट होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 100 प्लस पर तो ये नंबर 2295 सबसे छोटा नंबर होगा, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 295, उसके बाद
फाइव है, यहाँ नाइन है, फाइव होगा नंबर, फाइव टू, इसके बाद नाइन फाइव। अब आया फोर डिजिट नंबर की बारी, फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर में देखिए, फोर डिजिट नंबर में क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो देखेंगे थाउजेंड प्लेस पर बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ टू है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यहाँ पे देखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड फाइव, यानी कि थाउजेंड प्लेस पर टू है, यह नंबर छोटा रहेगा। ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो तब अब इसको लिखेंगे टू फाइव फाइव, एट लास्ट फाइव टू नाइन, ठीक है। ऐसे अरेंज करती है, आपको अरेंज करना है, अरेंज कीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। दिया हुआ नंबर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, कैसे करेंगे, सभी फोर डिजिट के नंबर है, यानी कि इसका प्लेस है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड तक नंबर रहेगा। थाउजेंड में नंबर को हमको अरेंज करना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए थाउजेंड प्लेस पर कौन सा नंबर सबसे छोटा, थाउजेंड प्लेस पर कौन सा नंबर सबसे छोटा है। यहाँ देखिए थ्री है, सिक्स है, टू है, नाइन है, वन। तो वन वाला नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि वन थाउजेंड वो है, तो वन थाउजेंड वाला नंबर लिखे, वन थाउजेंड। इसके बाद कौन सा होगा, तो थाउजेंड प्लस में यहाँ टू दिया हुआ है, टू वाला नंबर होगा, टू फाइव थ्री नाइन। इसके बाद क्या होगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री वाला नंबर है, थ्री फाइव के बाद कौन होगा, सिक्स वाला नंबर है, सिक्स टू फाइव नाइन, और लास्ट में नाइन टू थ्री। ये अरेंज कर दी, ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ गए ना। अब बी है, बी में अब है, देखिएगा क्वेश्चन, बी में ध्यान दीजिएगा, फोर टू सिक्स नाइन, फोर टू नाइन सिक्स, फोर टू नाइन टू, फोर टू नाइन सेवन, और फोर टू सिक्स टू। यहां पर देखिए ये नंबर जो है दिया हुआ है, ये नंबर हमारा सभी फोर डिजिट का नंबर है, और सभी का थाउजेंड प्लेस पर फोर है, तब तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गया कि अब कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट। तो अब फोर वाला में सब इक्वल है, तो हंड्रेड हंड्रेड प्लेस वाला को देखेंगे, हंड्रेड प्लेस में यहाँ पर देखिए टू है, यहाँ पे टू है, इसमें भी टू है, यहाँ भी टू है, ये भी टू है, ये फिर प्रॉब्लम हो गया कि हंड्रेड प्लेस पर भी सेम नंबर है। तो अब टेन प्लेस पर देखेंगे, देखिए तो टेन प्लेस में यहाँ क्या है, सिक्स है, यहाँ नाइन, यहाँ भी नाइन, ये भी नाइन है, और यहाँ सिक्स। तो अब नाइन वाला नंबर तो बड़ा हो जाएगा, अब टेन प्लस पर सिक्स वाला नंबर, तो दो जगह सिक्स है, एक ये है एक यहाँ। अब देखेंगे वन प्लस पर कौन सा नंबर है, अब वन प्लस पर यहाँ नाइन है और यहाँ टू है, ये सबसे ज्यादा बड़ा नंबर नंबर हो गया। अंतर देखेंगे फोर टू सिक्स टू, इसके बाद फोर टू सिक्स नाइन हो गया। अब है कि जिसके प्लेस पर हंड्रेड प्लेस वाला नंबर था उसको देखते हैं, सभी में नाइन है, यहाँ भी नाइन है, यहाँ भी नाइन है, यहाँ भी नाइन, ठीक है। तो इसका वन प्लेस पर देखिए, वन प्लेस पर क्या है, टू है, यहाँ सिक्स है और यहाँ पर सेवन है, तो टू वाला नंबर पहले लिखेंगे, फोर टू
9 2, उसके बाद 4 2 9 6, उसके बाद 4 2 9 7, यानी कि 2 वाला नंबर लिखा है, फिर 6 वाला, फिर 7 वाला, अरेंज हो गया एसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, एक मिस्टेक हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, यहाँ एसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, बड़ा नंबर लिखेंगे 9 2 3 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 6 2 6 2 5 9, इसके बाद लिखेंगे 3, इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या 2 5 3 9, इसके बाद 1000, यहां भी लिखेंगे, यहां लिखेंगे 4 2 9 6, इसके बाद लिखेंगे 4 4 2 9 6, इसके बाद 4 2 6 9, 4 2 6, हो गया, ये नंबर है। हाँ, ये प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोग जो है सो एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को देख लिए, समझ में आया। हम क्या किए कि पहले 1000 प्लेस पर देखा गया, तो 1000 प्लेस पर देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, तब अब 100 प्लेस पर देखेंगे, 100 प्लेस पर देखा गया कि यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यह 3 है और 4 है, तो 400 प्लेस पर जो 4 है वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा, पहले लिख दिए। इसके बाद यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 3 है, यहाँ भी 3, दोनों में सेम है, तो यहाँ पर 10 प्लेस वाला के देखेंगे, 10 प्लेस पर यहाँ 4 है, यहाँ क्या 0, तो 4 वाला एक नंबर को लिखेंगे, इसके बाद इस नंबर को लिखेंगे 7 3 0 4, अब लास्ट में लिखेंगे 7 0 4 3, अथवा 2 4 3 7, हो गया, बन गया मेरा, ठीक है। आप इसको